सर्च कीजिए यूनिक एडवाइस मास्टर को और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और पास ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कार के विंडशील्ड की अगर बात करें तो रोड पर चलते वक्त कार के बॉडी के साथ साथ कार के विंडशील्ड पर भी बहुत सी सारे डस्ट जमा होते जिनको क्लीन करना भी जरूरी है। तो कार के विंडशील्ड की अगर क्लीन करने की बात करें तो बेसिकली ऑनलाइन में हो या फिर आफ्टर मार्केट में हो, बहुत सी सारे कार के विंडशील्ड क्लीनर मिल जाता है, लेकिन सिर्फ विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए अलग से प्रोडक्ट को परचेज करना मेरे ख्याल से जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग बेसिकली लोन पर कार को खरीदते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ, न्यूज़पेपर की मदद से कोई भी कार के विंडशील्ड क्लीनर को इस्तेमाल किए बिना आपके जो कार के विंडशील्ड है उसको एक शाइनिंग वाला लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे बात को सुनने में थोड़ा अजीब लगे आपको, लेकिन ये जो ट्रिक्स है न्यूज़पेपर की मदद से विंडशील्ड क्लीन करने का, ये पूरा 100% वर्किंग ट्रिक्स है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पर कृपया करके बने रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कार वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना टाइम को पाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर कार के जो विंडशील्ड है उसको आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना सारा डस्ट का लेयर आ गया है विंडशील्ड के ऊपर, ये रियर का विंडशील्ड है। साथ ही साथ अगर बात करें दरवाजे के साइड का जो विंडशील्ड होता है वहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी पूरी तरह से डस्ट जमा हो गया है। अगर बात करें फ्रंट विंडशील्ड की तो यहाँ पर फ्रंट विंडशील्ड को भी आप देख लीजिए, पूरी तरह से जो विंडशील्ड है पूरा डस्ट से भर गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई अगर सोच रहा है कि सिर्फ पानी मार के विंडशील्ड को अगर कपड़े से पोंछ डालेंगे तो वैसे भी क्लीन हो जाएगा, लेकिन बेसिकली जो होता है विंडशील्ड को अगर सिर्फ पानी मार के कपड़े से पोंछेंगे तो बेसिकली मतलब करने के टाइम पे तो देखकर ऐसा ही लगेगा विंडशील्ड जो है पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन जैसे ही वो पानी सूख जाएगा पूरी तरह से जो विंडशील्ड है उसके ऊपर स्पॉट आ जाएगा। दोस्तों, न्यूज़पेपर की मदद से विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ न्यूज़पेपर की, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की और एक वाटर स्प्रे बॉटल, जो कि बार बार शॉप में यूज़ किया जाता है, ये ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जो वाइपर है वाइपर को हटा देना है, उसके बाद दोस्तों वाटर स्प्रे बॉटल से पूरी तरह से स्प्रे कर देना है आपके जो विंडशील्ड है उसके ऊपर, पूरी विंडशील्ड को पहले स्प्रे कर देना है। तो ये हो गया स्प्रे। उसके बाद पेपर से मतलब न्यूज़पेपर से यहाँ पर ऐसे चिपका देना है न्यूज़पेपर, ठीक उसी तरह इस साइड में भी आपको ऐसे ही न्यूज़पेपर को चिपका देना है। फिर से वाटर स्प्रे बॉटल से स्प्रे करना है वाटर को न्यूज़पेपर के ऊपर में। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर वाटर से थोड़ा सा स्प्रे कर दे रहा हूँ। देखिए, आपको सिर्फ दोनों हाथ को ऐसे लेना है, लेने के बाद आपको इस तरह से कुछ आपको विंडशील्ड के ऊपर ऐसे रब करना है पेपर से, ठीक इस तरह से। तो पेपर अगर टूट भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद ये पेपर पूरी तरह से मतलब टॉर्न हो गया। दोस्तों, अभी दूसरा पेपर से मैं यहाँ पर फिर से ऐसे साफ कर दे रहा हूँ। देखिए, साफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है उससे आपको विंडशील्ड के ऊपर कैसे ऐसे, लेकिन माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो वापस से डस्ट लग जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके कार के जो विंडशील्ड है वो कैसे चमक रहा है। तो ठीक इसी प्रोसीड्योर में दोस्तों पीछे का, सामने का और साइड के दरवाजे में जो विंडशील्ड होता है उसको भी आप ऐसे ही उसी मतलब सेम प्रोसीड्योर में क्लीन कर सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना भी मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए हमारे फ्यूचर में सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए। मैं जल्दी मिलता हूँ नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत।